नमस्कार, राजदवा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। मणिपुर में 4 मई को भीड़ ने 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाया था। इसका वीडियो 19 जुलाई को सामने आया। उसके बाद से राज्य में हिंसा बढ़ गई है। चूरा चांदपुर और इंफाल के पास मेतई और कुकी समुदाय के बीच शनिवार को रात भर फायरिंग हुई। इस दौरान ऑटोमेटिक राइफल्स, पॉम्पी गन्स, विस्फोटकों से हमला किया गया। विष्णुपुर के थोरबुंग में भीड़ ने एक स्कूल और कई घरों में आग लगा दी। मौके पर CRPF, BSF और असम राइफल्स के जवान तैनात थे। सुबह 9 बजे भी थोरबुंग कांगवाइन के अंदरूनी इलाकों में फायरिंग हो रही थी। वायरल वीडियो सामने आने के बाद से पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एक नाबालिग भी है। इस बीच रविवार को दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालवी मणिपुर जा रही है। मणिपुर में 4 मई को 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने के साथ एक और घटना हुई थी। उसी दिन 2 अन्य लड़कियों का रेप कर हत्या कर दी गई थी। ये घटना कांगपोकपी जिले के कोनुंग ममांग इलाके में हुई थी। यह जगह दूसरे घटनास्थल से 40 किलोमीटर दूर है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।